है जहां किसान आंदोलन व एलजी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने के न्यूज से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश के लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और सैकड़ों किसानों ने शहादत भी दे दी है, और सरकार बिना किसी वजह के किसानों पर राजद्रोह जैसे मुकदमे लगाकर उनको गिरफ्तार कर रही है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देश में 74 दिन से ऊपर लाखों किसान लगातार बॉर्डर पर धरने पर, सैकड़ों किसान शहादत दे चुके हैं, सरकार बिना किसी वजह के किसानों पे राजद्रोह जैसे मुकदमे लगा के उनको गिरफ्तार कर रही है। शौचालय उनके बंद कर दिए गए, पानी के कनेक्शन काट दिए गए, बिजली हटा दी गई, भोजन ना पहुँचे से अन्य रास्ते भी बंद कर दिए जाए, मानव अधिकारों का हनन भी है। आज संसद में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे चर्चा का जवाब देते हुए इस मुद्दे का कोई विशेष महत्व नहीं दिया। किसान तीनों कानून रद्द करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर आश्वासन नहीं दिया। MSP का कानून किसान चाहते हैं कि राइटिंग में संसद में कानून बने, प्रधानमंत्री जी ने ये तो ज़रूर कहा कि MSP थी है और रहेगी, परंतु ऐसा कहीं नहीं कहा कि हम राइटिंग में इसका कानून लेके आएंगे। तो ऐसे के अंदर ऐसा लगता है कि सरकार किसानों के प्रति उदासीन है और इस समस्या का हल नहीं चाहती। सर, LG के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं, उस पे क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार, दिल्ली की लोकप्रिय सरकार, जिन्होंने आम जन के लिए 24 घंटे बिजली दी, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती दी और फ्री दी, 24 घंटे पानी दिया और फ्री दिया, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त की, बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए, अनेकों ऐसे काम किए जिससे अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता जो बढ़ रही है, बैकडोर से सरकार इन सब सुविधाओं को रोकना चाहती है। केंद्र सरकार जो BJP की सरकार केंद्र में बैठी हुई है, इनकी कैबिनेट ने एक बिल पास किया है, जल्द ही वो संसद में आएगा, परंतु सीधे सीधे जो अधिकार लगातार लड़ाई लड़के हमने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त किए थे, सरकार उनको काटता है। आगरा में दवाइयों के